और उन्होंने प्रिंस को इशारा किया, प्रिंस कूद के हम अलग थे, कूद के आके हमको मारा। प्रिंसिपल सर गाली गलौज करते हैं हम लोग को। इस कॉलेज में हम मांग करते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे बाप को बुलाएंगे ना, तुम्हारे बाप के सामने हम तुमको बजट दिखाएंगे। प्रिंसिपल सर बोलते हैं तुम्हारे बाप आएंगे तो मेरे गोल पे गिर जाएंगे। सही करते ही है, ये अत्याचारी किस्म का व्यक्ति है, गुंडा गुंडा किस्म का व्यक्ति है, गुंडा को पाल रहा है। बॉडीगार्ड हम लोग के रूम में घुस घुस के बच्चों को मारा है। कौन है? प्रिंस, प्रिंस मारा है जी। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान का इंजीनियरिंग कॉलेज हमेशा चर्चाओं में रहता है और अक्सर यहाँ पे छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन की बातें सामने आती है। आज बुधवार के दिन भी यहाँ पे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल के द्वारा टारगेट कर कुछ छात्रों को जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें नंबर कम दिए जाते हैं, जिसमें कई छात्रों का ईयर बैक लगा हुआ है। और उसके बाद जब छात्र आज प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बाद यहाँ पे माहौल बिगाड़ने के लिए एक प्रिंसिपल, यहाँ के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अजीत कुमार, और सीनियर प्रोफेसर है, और इनके साथ प्रिंसिपल के साथ जो एक स्वीपर है, यहाँ का नाम का स्वीपर है ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वो प्रिंसिपल का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है, और उसके द्वारा प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई है। तो पूरा मामला जानते हैं सर, क्या कुछ मामला है आपके यहाँ? चलिए और पूछा जाए। मामला सर हमसे कोई रिलेटेड नहीं है, मामला जो भी है विद्यार्थी से रिलेटेड है जी। और इसी सिलसिला में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे और प्रिंसिपल घेराए हुए थे और उन्होंने प्रिंस को इशारा किया, प्रिंस कूद के हम अलग थे, कूद के आके हमको मारा, दो चार बॉक्सिंग मार दिया, मेरा चश्मा गिर गया था, टोपी गिर गया था, इसी बीच बच्चों ने आके मुझे बचा लिया, कुछ प्रोफेसर भी हमको बचा लिए, यही हुआ है सर। क्यों आपके साथ मारपीट? प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जो है हमेशा हमको बिल साइन करने के लिए फोर्स किया करते थे, जबरदस्ती तो हम साइन नहीं करते थे, तो इन्होंने HOD पद से हटा दिया, कैंपस इंचार्ज हुआ करते थे। प्रिंसिपल पे लगातार आरोप लगते रहे कि तानाशाह। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका, एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुटनी मोड़ VIP ट्रायल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा, और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। सही रवैया अपना। हाँ, तनसाही करते ही हैं, ये अत्याचारी किस्म का व्यक्ति है, गुंडा गुंडा किस्म का व्यक्ति है, गुंडा को पाल रखे हैं सर। चलिए, कुछ छात्र हैं, क्या आरोप है आप लोगों का, किस लिए प्रदर्शन कर रहे थे? आरोप के हम लोग किसी भी मुद्दे को लेकर इनके पास जाएंगे कि सर हमें कैमरा का एक्सेस दे दीजिए, आपसे नहीं हो रहा तो हम कैमरा का एक्सेस लेके पटना बिहार में, बिहार के और भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के साथ जाके हम पटना में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी में बात करेंगे, लेकिन हम लोग गाली गलौज करके भगा दिया जाता है इनसे। कौन गाली गलौज करते? प्रिंसिपल सर गाली गलौज करते हैं हम लोग के। अच्छा, अभी क्या हुआ है, आज क्या हुआ? आज हमारे सीनियर प्रोफेसर सर को आज पिटवा दिया गया है, बोलने में ठीक नहीं लग रहा है सर, पूरा कॉलेज के सामने ऐसा घटना हुआ है सर, कैमरा के सामने। आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे थे? हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे जूनियर्स का दिक्कत है, ये लोग का ईयर बैग लग गया है, तो सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स लिख के दे रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि बच्चों को ईयर बैग के साथ एक स्पेशल एग्ज़ाम दिया जाए, तो सब हम लोग स्टूडेंट आए थे कि हम लोग इस चीज़ को मुद्दा को रखेंगे, लेकिन एक मुद्दे में ये सोचे कि ये काम हमें नहीं करना पड़े, तो इसको एक अलग तरह से मोड़ लेते हैं, तो वो एक ऐसा काम किया, माहौल बिगाड़ने का काम किए हैं। अभी आप लोग पुलिस वगैरह को फ़ोन किए हैं? किसको? पुलिस को फोन। पुलिस आई थी, सबका बयान वगैरह ली, उसके बाद पुलिस भी चली गई,
लेकिन अभी भी अगर कोई भी स्टूडेंट इससे किसी भी बजट का मांग करता है, अगर इस कॉलेज में हम मांग करते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे बाप को बुलाएंगे ना, तुम्हारे बाप के सामने हम तुमको बजट दिखाएंगे। प्रिंसिपल सर बोलते हैं तुम्हारे बाप आएंगे तो मेरे गोड़ पे गिर जाएंगे। आखिर क्या क्या है ये, क्या संस्कार है इनका? टारगेट करके हमको परेशान कर रहे हैं, बोलते हैं, सबको बोलते हैं। आज हम मीडिया में आपके सामने बोल रहे हैं, कल तक हमारे ऊपर कितना फोन करवाएंगे, क्या क्या करवाएंगे, टेंशन देने का काम करते हैं। इनका पर्सनल बॉडीगार्ड हम लोग के रूम में घुस घुस के बच्चों को मारा है। कौन है? प्रिंस मारा है। स्लीपर का जी, प्रिंस तो स्वीपर का काम करता जी, स्वीपर का काम करता है, लेकिन आज तक अभी साफ सफाई नहीं किया है वो, आज तक वो चमचाई किया है। इनका राइट हैंड है वो, इनका सारा डील वही करता है। इस कॉलेज में जो भी चीज बना है हम लोग एक पैसा का हिसाब इनसे मांगे ना जाएंगे तो हम लोग नहीं देते हैं, बोलते हैं पिटवा देंगे, समझ लेंगे। चलिए, क्या आप लोगों का कहना है, क्या आरोप है? प्रिंसिपल सर को इस्तीफा दिलवाई है। आखिर क्यों? क्योंकि वो कॉलेज में मतलब बच्चे को इंटरनल नंबर के द्वारा हम लोग बात करने गया तो प्रिंस के द्वारा बोल के हम सर पे हाथ चलवाए, उसके बाद में रूम में भी हॉस्टल में घुसवा देते हैं प्रिंस को, प्रिंस सफाई करने के लिए, लेकिन सफाई आज तक नहीं करता है। सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं बिल्कुल, और आप देख सकते हैं ये प्रोफेसर है और इन्हें इधर चोट भी लगी हुई है, जरा सर दिखाएं सर, इधर चोट भी लगी हुई है और ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे के माध्यम से, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रिंस है वो स्वीपर के काम के लिए रखा गया है, लेकिन वो स्वीपर का काम कम ही करता है और प्रिंसिपल के साथ रहता है, प्रिंसिपल का बॉडीगार्ड बन के रहता है। यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है 2022 बैच के ये सभी स्टूडेंट्स से, और इन लोगों ने साफ तौर पे आरोप लगाया प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल के द्वारा अत्याचार किया जाता है, तानाशाही किया जाता है, और जब भी एग्जाम होते हैं इंटरनल एग्जाम उसमें जो मार्क्स है उसको कम कर दिया जाता है, जिसके कारण कई छात्रों का, सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं उनका ईयर बैक लगा हुआ है, और आज ही उसी ईयर बैक को लेकर जो छात्र है, छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को मेल किया जाए जिससे स्पेशल एग्जाम हो सके, और इसी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तो छात्रों का आरोप है कि इस प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए प्रोफेसर के साथ पिटाई की गई है। सहयोगी रिंकू के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सर, आप पे आरोप लगा है कि आज आपने एक प्रोफेसर की, अपने जो स्वीपर है प्रिंस, उसको अपने साथ लेके घूमते हैं, बॉडीगार्ड बना के घूमते हैं, और उसके द्वारा पिटाई करवाए हैं। ऐसा देखिए, बच्चों का मतलब रिजल्ट खराब आया है पूरे बिहार लेवल पे, तो बच्चे आए थे आवेदन उनका फॉरवर्ड करने के लिए, तो हम फॉरवर्ड कराने के लिए कर रहे थे जी। तो इसमें कुछ बच्चे उपद्रवी शरारती तत्व के हैं जो इस तरह का माहौल बिगड़ इस तरह का माहौल देख करके वो माहौल को यूटिलाइज करते हैं। अभी तो हर चीज़ में इनको, चार पांच बच्चे हैं और एक डॉक्टर अजीत प्रोफेसर है, इन बच्चों को उग्र करते हैं। लेकिन सर, आपका कॉलेज हमेशा विवादों में क्यों रहता है? कई बार हम लोगों ने न्यूज कवरेज किया, लगातार विवाद होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ देखिए, इस समय बहुत ही ड्रास्टिकली हम लोग कोरोना की वजह से पूरा यहाँ से लेके विभाग स्तर तक सिस्टम को, सेमेस्टर को सिस्टमेटिक करने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा है, जिसमें फैकल्टी लोडेज है, जिसमें हम लोग को दो दो महीना तीन तीन महीना में परीक्षा कराना पड़ रहा है। अब इसमें बच्चों को बैक लग गई थी, मेल करने के लिए हम तैयार हैं, बच्चे छात्र लिखेंगे, यूनिवर्सिटी भी हम लोग को मीटिंग करने के लिए मतलब मीटिंग करेंगे, वहाँ के VC मीटिंग करेंगे, तो उस पर एक सामूहिक डिसीजन होगा ना। हम लोग के हाथ में पठन पाठन है, हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम खुद ही बहुत स्ट्रिक्ट है इस मैटर में। थोड़ा सा ये प्रिंस कौन है? ये मेरे साथ नहीं रहता है, वो कॉलेज में सफाई कर्मी का इंचार्ज है, तो वो हर जगह अवेलेबल रहता है, अब जहाँ गंदा रहता है कहीं उसके द्वारा पिटाई क्यों की गई? वो और दोनों छपरा के हैं, दोनों में आपस में पहले से भी विवाद है, कई बार दोनों को समझाया गया।
तो क्या एक कॉलेज में एक प्रोफेसर की पिटाई एक स्वीपर कर सकता है और उसके द्वारा? मैं इसको देखा नहीं हूँ, मॉब में हुआ है, बच्चे भी किए हैं और प्रोफेसर भी किए हैं। अब ये क्या हुआ है वहाँ वीडियो फुटेज अवेलेबल है, इसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा? अब इसके लिए हम उसको, वो तो मैन पावर का है, उसके बोल करके हटा देंगे उसको। इस तरह का शरारती तत्व यहाँ, अब देखिए बच्चे तो कल VC के भी इस्तीफा की बात कर रहे थे, ये मतलब इनको लग रहा है कि मेरा करियर डूब गया। एक 6 महीना आपका बैक लग जाता है, 6 महीना फिर मेहनत करके अगर पास कर लेंगे तो इसमें क्या आपका नुकसान हो जाएगा? हम इस बच्चों को कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं खुद क्लास लेता हूं। आज मैं इसके बावजूद हमेशा यहां झगड़ा होता है, विवाद होता है हमेशा, ये पहली बार कुछ देखिए, हर कॉलेज में कुछ शरारती तत्व तो बच्चे होते हैं। अब हम उन लोग बच्चों का पिछले साल भी ऐसे विवाद किए थे तो उनके माता पिता को बुलाया, समझाया, बुझाया गया। अभी 2-3 बच्चे हैं उनके माता पिता को बुलाने के लिए कह रहे तो उग्र हो जा रहे हैं। प्रोफेसर भी आप पे आरोप लगा रहे कि हमेशा आप अत्याचारी करते हैं, तानाशाही करते हैं, तो इसका मतलब सारे बच्चे और प्रोफेसर होते हैं? नहीं, अब देखिए, अब मान लीजिए अब क्लास प्रोफेसर न ले, हम अलाउ कर दें, इन बच्चों का भविष्य सुशील पूछ लीजिए सर, आप ही बताइए, मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ कि टाइमली सामने इसको हॉस्टल से निकाल ये बच्चा बोल रहा है ना, ये ना इनका बैग का इशू है ना कुछ है, ये हर जगह विवाद में शामिल हो जाते हैं। क्या एक्शन लिया जाएगा कॉलेज में, ऐसे कैसे चलेगा स्टूडेंट का भविष्य? नहीं, इनके लिए अब इनको बच्चों को, जो सारे हमारे बच्चे बुरे नहीं हैं, हमारे कॉलेज में अदर कॉलेजों से हमारा रिजल्ट बेटर है, कंपेरिजन किया। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूर्यकांत सिंह।